इंडिया में 8 एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जिन्हें गवर्नमेंट नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनी चलाती है। इनमें से एक दिल्ली को छोड़ के बाकी सबके ओनर हैं अडानी। अडानी ग्रुप ने 11,000 करोड़ रुपए का कर्ज अपने नाम करके मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में 74% हिस्सेदारी खरीदी है। वहीं बाकी 6 एयरपोर्ट के लिए गवर्नमेंट को अपफ्रंट दिए हैं 2,440 करोड़ रुपए। ऑन टॉप ऑफ दैट वो गवर्नमेंट को देंगे 115 रुपए से 177 रुपए के बीच फॉर एवरी पैसेंजर दैट लैंड्स ऑन द एयरपोर्ट। बाप रे, अडानी ये समाज सेवा क्यों कर रहा है? कर दी ना अनाड़ी अंडी वाली बात। एयरपोर्ट से बहुत पैसा बनता है। कैसे? एयरपोर्ट के ना 2 मेन रेवेन्यू स्ट्रीम्स है। पहला है नॉन एरोनॉटिकल, जैसे पार्किंग चार्जेस, कैब चार्जेस, हाई स्पीड वाईफाई, लॉन्च, एयरपोर्ट पर जो शॉप लगी है उनका रेंटल। बट मेजॉरिटी पार्ट आता है एरोनॉटिकल रेवेन्यू से, जो एयरलाइंस एयरपोर्ट ऑपरेटर को देती है, जो अल्टीमेटली आप ही से वसूला जाता है। अपने टिकट के प्राइसिंग को ध्यान से देखिए। यहाँ आपको दिखेंगे क्यूट चार्जेस, यूजर डेवलपमेंट फीस, एयरपोर्ट सर्विस चार्जेस, जो मुंबई में 192, दिल्ली में 203 और जयपुर में 515। ये सारा पैसा एयरपोर्ट ऑपरेटर के पास ही जा रहा है। आरजी सर, ये एयरपोर्ट कहाँ मिलते हैं? मुझे अभी के अभी खरीदने हैं। ना हो पाएगा एनडी शर्मा, हाँ तेरा नाम एनडी अडानी होता तो कुछ चांस थी।